मैम ने आपको फाइव छोटे से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं यू हैव टू डू दिस एज योर प्रैक्टिस वर्क लेट मी टेल यू दिलअप्स लूसी विल टेक डैश टू द पार्क विल टेक शी टू द पार्क या हर टू द पार्क यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक सीआ विम गोइंग टू द पार्क विद ही और You have to choose the best option and write down here. She will come with us, yafirvi. Let's play with they, ya them. यू हैव टू डू दिस एज योर प्रैक्टिस वर्क वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क और मैम ने आपको कहा था कि ये लेसन नंबर एट जो है वो ऐसे आपको एकदम से याद करने से अच्छा है आप उसको बार बार बोलकर लिख कर, कर सुनकर या किसी और को सुनाकर प्रैक्टिस कीजिए सो दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क विच यू हैव टू डू टू डे इन योर नोट बुक लेट्स डू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हम कल करे थे लेट्स कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क इन और नोट बुक राइट डाउन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑन द टॉक एंड द क्वेश्चन इज अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको सेंटेंस में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है मैम ने यहाँ पर करे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा लेकिन आपको ये ज़्यादा ज़रूर समझना है कि वो डिस्क्राइबिंग वर्ड अगर है तो वो क्यों है इट इज़ अ स्मॉल पेंसिल अब यहाँ पर हमें क्या किसके बारे में बात की जा रही है इसमें इस सेंटेंस में पेंसिल के बारे में बात की जा रही है पेंसिल कैसी है पेंसिल स्मॉल है द स्मॉल इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड आई हैव अरेव डॉग मेरे पास डॉग है और वह डॉग कैसा है डॉग बहुत ब्रेव है बहुत बहादुर है ठीक है माई सिस्टर हैज़ टू पेन्स मेरी सिस्टर के पास पेन हैं कितने पेन हैं टू पेन्स हैं तो यहाँ पर टू इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड ही इज़ अ काइंड मैन वो बहुत काइंड है कैसा है वो वो मैन किस तरह का इंसान है वो एक काइंड मैन है आई वॉन्ट अ पर्पल बलून मुझे कैसा बलून चाहिए मुझे पर्पल कलर का बलून चाहिए सो पर्पल विल बी द डिस्क्राइबिंग वर्ड ओके सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक वेज वाइल डूइंग द वर्क कीप दिस थिंग इन माइंड दैट फर्स्ट एल्फाबेट शुड बी कैपिटल एंड अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस एंड also focus on your handwriting try to write in cursive writing in your notebooks and do this work in your notebook it is two-page work and you have to do this work and let's meet in the next class